लगता है कुंभी है शायद। एक पुलिस वाला कितना बेरहम है, इस बच्ची को जाने क्यों नहीं देता। हाँ पता नहीं किस जुर्म में पकड़ा इसे। और ये गन कहां से मिली ये बताओ पहले। वो देखिए वो एंटीक वाली गन जो आपके पास थी, मनीष अंकल वो गन लेके उससे पहले कुछ करना होगा। ये क्या कर रही हैं आप? अरे बताओ ना। अरे ये लाइट को क्या हुआ? शांतनु लाइट कैसे गई? देखो किसने बंद किए? अरे साइको भाग गया, साइको भाग गया। अरे पकड़ो उसे, बहुत खतरनाक आदमी है, भागना नहीं चाहिए। नायरा, क्या कर रही हो यहाँ? तुमने किया क्या है जो यहाँ पर? कुछ नहीं किया हमने, ये लोग ऐसे ही पकड़ के लाए हैं हमें। ऐसी तो नहीं पकड़ के लाए हूँ। आप लोग आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनना माँ, आप लोग यहाँ इन कपड़ों में ये क्या है माँ? कोई मुझे बताएगा कि ये हो क्या रहा है? पहले तू मुझे बता लल्ला, ये सब क्या हो रहा है? हाँ हाँ बता, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ इस उम्र में ये सब शोभा देता है? इन कपड़ों में पुलिस स्टेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ हमें कुछ कहने से पहले जरा खुद को देख लो मनीष बेटा, हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे तुम भी खड़े हो। हाँ हाँ और आप लोग भी यहाँ पे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार लेने नहीं आए हैं? हाँ सच कह रहे, क्यों आए आप यहाँ? अरे देखिए आपको ये शोभा नहीं देता है, क्या कर रहे हैं? तू मुझे बता ले ना, बाइक क्यों चला रहा था? अरे शांत, कितनी रात। शांत शांत, हमारी गलती नहीं है, हमें तो लोग गलती से लेके आए, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। चाचू किया तो हमने भी कुछ नहीं है। अब झूठ तो मत बोलो नायरा, किया तो है जरूर, वरना ये हिप हॉप के ड्रेस हटाकर ये अजीब अजीब से कपड़े पहनकर रात को बाहर थोड़ी घूमते तुम लोग। एक मिनट कार्तिक, हम घूम नहीं रहे थे, वो खेलते खेलते रुक्मणी आंटी घर से बाहर निकल गई, तो खेलते खेलते हम भी पीछे पीछे निकल गए। कीर्ति जी कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? और भाई आप वैसे किसे बोल रहे हैं? आप भी तो यहीं खड़े हैं। और क्या? अरे फिर वही बात। क्या फिर वही बात? तुम भी तो बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो। ये सही है, गलती करो ऊपर से रुबाब दिखाओ। अच्छा और जो तुम कर रहे हो वो सही है? ये अच्छा है, हमारी हेल्प करने की बजाय हमें गलत बोल रहे हैं, जैसे हम तो है ही क्रिमिनल। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो ठीक है, हर बात बस तलवार निकाल दो, लड़ लो काट लो मार लो, उसके अलावा और कुछ आता है तुम्हारे दिमाग में? अरे दिमाग में आता है ना तो बताओ, वो जो झुमका या तुम्हारी जैकेट पार्ट का हुआ था ना, कहाँ से आया वो? अरे वो बात छोड़ो, मुझे बताओ कि आज जो घर पर ना एक कांड नहीं हुआ तुम्हारा ये गन वाला, उसके अलावा और भी कांड हुए हैं। मुझे बताओ वो जेंट्स की जैकेट किसकी थी? वो ब्लैक कलर वाली किसकी थी ना? उसे वापस भेज देंगे। बात को घुमाओ मत के वापस भेज देंगे, मुझे जानना है कि वो शर्ट थी किसकी। कीर्ति दी के फ्रेंड ने डांसर भेजा परफॉर्म करने के लिए, उसकी थी, उसे वापस दे देंगे हम। पर अब तुम बताओ जो तुम्हारे पीछे वो लड़कियाँ थी ना, कौन? हाँ तो अभी डांसर ही थी, हम गलती से वो डांसर बार में चले गए थे। क्या ये हाँ तो और नहीं तो क्या, जानबूझ के जाएंगे? पूछो अपने भाई और पापा से, वो सबसे ज्यादा तो उन्हीं के साथ डांस करे है ना नक्ष। मुझे पता है आज तो ये दोनों भी तुम्हारे ही साथ देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो जाओ सब, दिमाग खराब करके रख दिया बोल बोल के। अजीब फैमिली है, कोई गोलियां चला रहा है, कोई रेस चला रहा है, क्या बुढ़ा और क्या जवान, सबके सब पागल एक नंबर के। अरे पागलों का अखाड़ा बना के रख दिया पुलिस स्टेशन को। अरे देख क्या रहा हूँ, डाल दो सबको लॉकअप में,
वहां बैठ के निपटाएंगे अपने फैमिली मैटर अच्छी तरह से। सॉरी सर, अरे मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। हेलो मिस्टर कार्तिक। हेलो। अरे दिलीप प्लीज समझाओ यार इसे, बेवजह पकड़ के रखा है पूरी फैमिली को। हाँ, यू डोंट वरी सर, मैं आ गया हूँ, आई विल हैंडल इट।